हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। CIBSEIBO बैंक प्रमोशन से संबंधित हमें बात कर रहे हैं CIBSEIBO का BFM बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक्सपोर्ट क्रेडिट के ऊपर। तो पहला सवाल देखिए, प्रेजेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेक्स PCFC अप टू 180 डेज इज नॉट एक्सीडिंग। बोलते जो एट प्रेजेंट जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्री शिपमेंट क्रेडिट के ऊपर फॉरेक्स में PCFC जिसको हम बोलते हैं 180 दिन तक वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है 200 बेसिस पॉइंट अबव लिबोर, दूसरा है 100 बेसिस पॉइंट अबव लिबोर, तीसरा है 150 बेसिस पॉइंट अबव लिबोर, चौथा 50 बेसिस पॉइंट अबव लिबोर, 50 पॉइंट्स अबव लिबोर, पांचवा है आपका 50 बेसिस पॉइंट अबव बिलो लिबोर। तो सही ऑप्शन है वो है ए, यानी आपका बोलना क्या चाहता है 200 बेसिस पॉइंट अबव लिबोर। ठीक है, फिर बोलता है दूसरा क्वेश्चन है ए पर करंट गाइडलाइंस ऑफ RBI फॉर लोन सैंक्शन अप टू 36/2010 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्री शिपमेंट क्रेडिट इन रुपीज अप टू 270 डेज शुड नॉट एक्सीड। बोलता है कि जो एज जो अभी का करंट या मौजूदा जो आपका गाइडलाइंस है RBI का, जहां पे कि जो लोन सैंक्शन किया गया है 30/6/2010 तक, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा प्री शिपमेंट क्रेडिट के लिए भारतीय रुपये में 270 दिन तक वो कितने चीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है बैंक रेट प्लस 2.5%, दूसरा BPLR प्लस 1.5%, तीसरा BPLR माइनस 2.5%, चौथा है बैंक रेट माइनस 2.5%, लास्ट में है लोअर ऑफ ए एंड बी। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BPLR माइनस 2.5%। तीसरा क्वेश्चन है एज पर द एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस द पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स शुड इन जनरल बी रियलाइज्ड विद इन ए पीरियड ऑफ। बोलता है कि एज पर जो अभी नया एक्सचेंज कंट्रोल का रेगुलेशन आया हुआ है, जो पेमेंट करते हैं आप एक्सपोर्ट्स का, वो इन जनरल अगर हम बात करें वो कितने पीरियड में रियलाइज होना चाहिए। जो पहला ऑप्शन है 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, दूसरा है 360 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग ऑफ गुड्स, चौथा है आपका 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, चौथा आपका 270 डेज फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, पांचवा आपका 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसाइनमेंट बाय द लोअर बाय द बायर इन फॉरेन कंट्री। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा आपका ए, यानी 12 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। चौथा सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू फीचर्स ऑफ गोल्ड कार्ड स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। इसमें से कौन सा फीचर सही नहीं है इस संबंध में जो गोल्ड कार्ड स्कीम है एक्सपोर्टर्स का। तो पहला ऑप्शन है ओनली एक्सपोर्टर्स हुज अकाउंट हैज बीन सैंक्शन, दूसरा है ओनली एक्सपोर्टर्स हुज अकाउंट हैज बीन सैंक्शन कंटिन्यूसली फॉर 3 ईयर्स आर एलिजिबल, दूसरा है आपका गोल्ड कार्ड शुड बी गिवन गोल्ड कार्ड होल्डर शुड बी गिवन प्रेफरेंस इन ग्रांटिंग पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी PCFC, तीसरा है टाइम नॉर्म फॉर डिस्पोजल ऑफ फ्रेश एप्लीकेशन फॉर क्रेडिट अंडर द स्कीम विल बी 25 डेज, चौथा है गोल्ड कार्ड फॉर एक्सपोर्टर्स विल बी इशूड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, पांचवा नन ऑफ दिस। एक्चुअली इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, यानी गलत है, फॉल्स। तो सारे ऑप्शन सही है सिर्फ डी ऑप्शन को छोड़ के, मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच गोल्ड कार्ड गोल्ड क्रेडिट कार्ड कैन बी इश्यूड टू एक्सपोर्टर्स इज ₹10 लाख एंड ₹10 लाख। बोलते क्या कम से कम और क्या ज्यादा से ज्यादा पैसा हो सकता है या अमाउंट हो सकता है जहां पे कि जो गोल्ड क्रेडिट कार्ड है जिसको के लिए इश्यू किया जाता है एक्सपोर्टर को, वो क्या उसका मिनिमम अमाउंट और क्या मैक्सिमम अमाउंट है। पहला ऑप्शन है 100 लाख, दूसरा 1000 लाख, तीसरा है 50 लाख और 500 लाख, तीसरा आपका 100 लाख और 5000 लाख, चौथा आपको 20 लाख और 200 लाख, पांचवा ऑप्शन ऐसा कोई भी संबंध नहीं है, सारी चीज एंटीसिपेटेड टर्नओवर के ऊपर होता है, नन ऑफ दिस एज इट इज बेस्ड ऑन एंटीसिपेटेड टर्नओवर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ई, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ये सारी कुछ आपकी एंटीसिपेटेड टर्नओवर के ऊपर बेस्ड होता है। छठा सवाल देखिए, एज पर द एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन द पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट शुड इन जनरल बी रियलाइज विद इन ए पीरियड ऑफ। बोलता जो एज प्रेजेंट जो आपका एक्सचेंज कंट्रोल का रेगुलेशन है जहां पेमेंट करते हैं एक्सपोर्ट को इन जनरल रियलाइज किया जाता है कितने पीरियड में। तो पहला ऑप्शन है 12 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, दूसरा है 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, तीसरा है आपका 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, चौथा है आपका 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, पांचवा है 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। तो सही ऑप्शन है वो है ए, यानी 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। सातवां देखेंगे, यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर परमिटेड टू रियलाइज एंड रिपेटेड टू इंडिया द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स और सॉफ्टवेयर विद इन ए पीरियड ऑफ
डैश फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, बोलता है जो यूनिट होता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, उसको परमिशन दिया गया कि वो रियलाइज कर सके और भारत में रिप्रेटेड भी कर सके जो पूरा एक्सपोर्ट का वैल्यू है गुड्स का चाहे सॉफ्टवेयर का एक पीरियड के भीतर भीतर जिस डेट को शिपमेंट हुआ है। तो पीरियड क्या है तो पूछा है, पहला है 3 मंथ, दूसरा है 6 मंथ, तीसरा है 180 डेज, चौथा है आपका 60 डेज, पांचवा ऐसा कोई लिमिट सेट नहीं किया हुआ है। तो सही ऑप्शन क्या है कि ऐसा कोई लिमिट सेट नहीं किया हुआ है। आठवां सवाल देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ शिपमेंट मेड टू इंडिया ऑन द वेयर हाउस सेज एब्रॉड एस्टेब्लिश्ड विद परमिशन ऑफ आरबीआई एक्सपोर्ट प्रोसीड शुड बी रियलाइज्ड विद इन, बोलता है इस संबंध में या इस रिस्पेक्ट में जो शिपमेंट आप करते हैं भारत में, भारतीय ओन्ड वेयर हाउसेज होता है विदेश में जो स्थापित है, मतलब जहां आप शिपमेंट की बात हो रही है और वो शिपमेंट किया जा रहा है भारतीय लोगों के द्वारा खरीदा हुआ वेयर हाउस है विदेश में जहां उसकी स्थापित है, यहां पे आपको परमिशन लेना पड़ता है आरबीआई का, एक्सपोर्ट प्रोसीड को रियलाइज करना पड़ेगा कितने समय के भीतर भीतर। तो पहला 6 महीना, दूसरा 3 महीना, तीसरा आपको 9 महीना, चौथा है 15 महीना, पांचवा 150 दिन। जो सही ऑप्शन है आ रहा है इस केस में वो हो जाएगा आपका 15 महीना के भीतर भीतर आपको रियलाइज कर लेना है। फिर आइए 9वां क्वेश्चन, बोलते आरबीआई मॉनिटर्स ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स नॉट रियलाइज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम बाय कॉलिंग फॉर ए हाफ ईयरली स्टेटमेंट फ्रॉम एडीज रेफर टू एस, बोलते आरबीआई मॉनिटर करते रहता है जो भी एक्सपोर्ट का ओवरड्यू बिल होता है जो कि पैसे में कन्वर्ट नहीं हुआ यानी रियलाइज नहीं हुआ, जो भी उसका एक टाइम फ्रेम होता है यहाँ पर कॉल करता है कि आधा साल का स्टेटमेंट आपको एडी से मंगवाता है जिसको हम रेफर करते हैं क्या। पहला पॉइंट है बीईएफ, दूसरा एक्सओएस, तीसरा है जीटीई 1, चौथा एसटी 9 और पांचवा ईएनसी। तो सही ऑप्शन है वो है एक्सओएस। फिर 10वां सवाल देखेंगे, पैकिंग क्रेडिट एडवांसेज में जो पैकिंग क्रेडिट एडवांसेज है उसका मीनिंग क्या है या उसका मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एडवांसेज ग्रांटेड टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर पैकिंग ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स फॉर सेल इन इंडिया, दूसरा एडवांसेज ग्रांटेड टू एलिजिबल एक्सपोर्टर्स फॉर परचेज मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्टिंग पैकेजिंग पैकिंग एक्सेट्रा फॉर गुड्स मिंट फॉर एक्सपोर्ट, तीसरा आपका एडवांसेज ग्रांट टू इम्पोर्टर्स टू एनेबल डेम टू स्टोर एंड सब्सिक्वेंट सेल इम्पोर्टेड गुड्स लोकली, लास्ट में एनी वन ऑफ द अबव नन लास्ट उसके बाद है नन ऑफ दिस। तो देखो जो पैकिंग क्रेडिट एडवांसेज में या पैकिंग क्रेडिट एडवांसेज का मतलब जो है वो क्या है कि एडवांसेज को देना खास करके जो एक्सपोर्टर्स जो कि एलिजिबल है ताकि वो परचेज कर सकें, मैन्युफैक्चर कर सकें, प्रोसेसिंग कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, पैकिंग कर सकें गुड्स को एक्सपोर्ट के लिए, यानी बी ऑप्शन। यहाँ एक मेगा ऑफर है जो कि वैलिड है 4 नवंबर 2018 तक। हम आपको यहाँ पे जेबी और सीआईबी की कोर्सेज ऑफर की जाती है जहाँ पे कि ये सारी कोर्सेज आपको ऑनलाइन मोड पे है, इसके लिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा ताकि आप वीडियो लेक्चर कोर्सेज देख सकें, केस स्टडी का वीडियो देख सकें, 2006 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक विद नोट रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप कोई भी सिंगल जेआईबी सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशन पेपर खरीदते हैं तो दाम है 2000 रुपये, ये चीज ऑफर प्राइस में 600 रुपये का है। अगर आप जेआईबी का कॉमर पेपर खरीदते हैं तीन पेपर एक साथ खरीदते हैं इसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस 1500 रुपये है। अगर आप सीआईबी का कंपलसरी पेपर खरीदते हैं दोनों कंपलसरी पेपर एबीएम प्लस बीएफएम जिसका दाम है 3500 रुपये, ये चीज ऑफर प्राइस में 1100 रुपये। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं इसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस है 1500 रुपये। 10 मॉक टेस्ट खरीदने जाते हैं कोई पेपर का दाम है 199 रुपीज और कॉम्बो पैक है मॉक टेस्ट का 399 रुपीज। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर 7 8 2 7 5 4 6 9 4 6। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट www.gibcibstudymetal.com, ईमेल आईडी हो गया सीट से नाम 3@gmail.com।